भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव पवन सिंह ग्वालियर जी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संगठन को और इस बहुजन समाज को टूटने से बचाने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन किया है, मैं भारतीय संविधान की शपथ लेते हुए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सतगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, तथागत गौतम बुद्ध जी को अपना आदर्श महापुरुष मानते हुए मैं आज भीम आर्मी के एक बहुत ही मजबूत पिलर और आपके सामने ये शपथ लेता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्य का, जिस प्रकार से मैंने बहुजन समाज और भीम आर्मी के लिए पहले से खून पसीने से काम किया है, मैं पहले से ज्यादा 10,000 गुना ताकत से आपके लिए काम करने का काम करूँ। और जितने भी पुराने पदाधिकारी वे कार्यकर्ता हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि आज से ही अपने सिर पर नीला गमछा बांध के समाज के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए। जितने भी पुराने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, उनको सबको जोड़कर समानता का, समता का संदेश दिया जाएगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, गुरु रविदास जी ने ही कहा है कि समानता स्थापित कीजिए, न्याय दिलाइए। इसलिए जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है राष्ट्रीय स्तर की, लेकिन एक कार्यकर्ता की भी ताकत उतनी है जितनी राष्ट्रीय महासचिव पवन सिंह बालाजी और मंजीत भोटिया ने। जय भीम। इसलिए साथियों आगे, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस पद पर तब तक ही रहूंगा जब तक हमारे भीम आर्मी और समाज चाहेगा। जब तक मैं अपने कर्तव्य का पालन करता रहूंगा तब तक ही इस पद पर मैं रहूंगा। जिस दिन समाज चाहेगा और भीम आर्मी चाहेगी, मैं अपना पद और पूरी ताकत आपके हाथ में देने के लिए तैयार हूं। जय भीम। सम्मानित साथियों, आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आप तमाम पदाधिकारियों से ये कहना चाहता हूं फिर से कि जिन लोगों ने संगठन का के लिए गलत मैसेज दिया, जिन लोगों ने संगठन की ताकत को कमजोर करने का काम किया, जो लोग पैसा उभाई का काम कर रहे हैं भाड़ में आकर, जो लोग थाने के नुक्कड़ पर बैठकर हमारे समाज में जब झगड़े होते हैं धन उभाई का काम करते हैं, आप सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आज से संविधान में हाथ में लेकर ऐसे माफियाओं की कमर तोड़ने का काम करना है। क्योंकि अगर बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, अगर हमारे लोगों को न्याय भी अगर फ्री में नहीं मिलेगा तो फिर संविधान की गरिमा कैसे बन पाएगी। हमारा समाज ये बहुजन एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज जो हमसे अपेक्षा करता है, जो हमसे उम्मीद करता है, जो झोपड़ी में गुलाब सीना जोड़ा करके सो रहा है हमारे भरोसे पर, अगर उस पर हमला होगा, उससे अगर धन उगाही की जाएगी, एक 500 रुपए मजदूरी करने वाले से फैसले के नाम पर 20 लाख लिए जाएंगे, 25 लाख लिए जाएंगे, क्या बर्बादी की ओर नहीं जा रहे हैं? आपको मैं कड़े शब्दों में पदाधिकारियों के कहना चाहता हूं कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अगर 1 रुपया भी आज के बाद किसी पदाधिकारी कार्यकर्ता का लेन देन का हिसाब पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई ठोस रूप से होगी, ऐसा जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है संगठन के द्वारा, मैं आपको थोड़ा संघर्ष के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे आदरणीय बड़े भाई पवन सिंह वाले जी के बारे में मैं फिर से, क्योंकि समाज अगर सच को सच नहीं कहेगा, गलत को गलत नहीं कहेगा, तो आप अंधकार की ओर जा रहे हैं, आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। वो भाई जिन्होंने बहुजन समाज के लिए फाइट किया, वो भाई जिन्होंने समाज के लिए नौकरी खोई, परिवार खोया, लेकिन आज भी पीड़ा नहीं बताते हैं आपको, आज भी आप फोन करते हैं तो आपके बीच में खड़े होते हैं। आप ऐसे महान योद्धाओं को अगर समाज अगर उनके साथ में खड़ा नहीं होगा, कौन आपकी बात सुनने के लिए कल आएगा? कौन भगत सिंह बनने की कोशिश करेगा?